भाई साहब ये तो और अलग ही लग रहा है इधर। हम इस तरफ से आ रहे थे, आपको वहाँ मैं दिखाया था लोकेशन, वहाँ से ये सीधा सीधा है, 10 मिनट लगा आने में, फिर ये सीधा इधर जाओगे, पता नहीं क्या है, लेकिन वहाँ से जस्ट नीचे रोड अच्छा बना हुआ है, वहीं से जाना है। सामने लेक आपको दिख रहा है, लेक व्यू पॉइंट, वहाँ हम लेके जा रहे हूँ आपको। हाँ लेक भी है बड़ा सा, उजाला दिखा। अभी इतने देर में अंधेरे में थे हम लोग, ऐसा लग रहा था अंधेरा हो जाएगा, लेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से लग रहा है कि नहीं अभी भी टाइम है। ये देखिए पहाड़ों के बीच में, नीचे उतर चुके हम लोग, नीचे उतर गए क्या हम लोग? लंबा गया है, देख नहीं रहा कहाँ तक है, बड़ा होगा। बारिश यार इधर भी शुरू हो गया है, या फॉग आ रहा है सब कैमरे पे, ठीक है यही है। छोटा सा लेक जो इसके सामने है, इसकी कुछ औकात नहीं है, इसको मत देखो। चलो लेक देख ली है, अब हम लोग जा रहे हैं, लेट हो रहा है उसके लिए, ज़्यादा हम लोग कवर नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा हम लोग वहाँ से आ गए, इतना तेज हवा आ रहा है वहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। कुछ स्पेशल नहीं है वाटरफॉल? अरे यही है वाटरफॉल बस, कुछ खास नहीं है यार, इससे अच्छा अच्छा वाटरफॉल दूसरी जगह है। देख के हम लोग ऑफ रोडिंग, उधर ऑफ रोडिंग में देखिए वो ज़्यादा अच्छा था, आपको दिखाया, आपको देखिए आप थोड़ी यहाँ से चलते हैं फिर लेक की तरफ। लेक ये रोड कहाँ जाता है? सीधा उधर बाहर निकलेगा। कहाँ बाहर? ये जो रास्ता है ये रामबाग जो पॉइंट हम लोग जो देख के आए थे ये उसी तरफ जाता है, मतलब समझिए हम लोग गोल घूम के आए, और ये लेक है पहाड़ों के ऊपर ही है, लेक लेक नीचे नहीं है, लेक पहाड़ के ऊपर ही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग नीचे आ गए, पहाड़ के ऊपर ही लेक बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़ है, और ये वाला रामबाग पॉइंट जाता है, हम लोग तो देख चुके हैं। तो हम लोग नीचे फिर लेक की तरफ जा रहे हैं, और जो रास्ता आपको हमने वहाँ दिखाया था कच्चा रास्ता था, वहाँ से हम सीधा जाएंगे, फिर वहाँ से सीधा हम निकल जाएंगे, देख के कुछ पॉइंट है फिर मैं आपको बताता हूँ। बड़ा लेक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ठीक है पहाड़ के ऊपर है तो कितना ही बड़ा रहेगा। हिमालय रेंज तो है नहीं कि बड़े बड़े लेक रहेंगे भाई, सह्याद्री रेंज में आता है, माथेरान एरिया के अंदर। नहीं 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 मार्केट के, मार्केट की तरफ का रास्ता है, जाएगा ना। हाँ थैंक यू, वेलकम। हम यहाँ से आए थे, सीधा गए थे सीधा लेक देख के, रामबाग पॉइंट चले जाओगे आप, रामबाग पॉइंट जो अलेक्जेंडर पॉइंट वो चले जाओगे आप सीधा सीधा, और अभी हम यहाँ से सीधा कंटिन्यू करेंगे। कौन सा पॉइंट आएगा आगे? पॉइंट का तो नहीं पता, लेकिन अभी पॉइंट है, लेकिन पॉइंट है इधर, इतना फेमस है नहीं है, बोर्ड नहीं लगा हुआ था, बोर्ड में क्या मालूम, देखा आपने देखा होगा तो ठीक है, वो देख के हम लोग निकल जाएंगे मार्केट की तरफ। लॉर्ड्स किंग जॉर्ज, ओह लॉर्ड्स पॉइंट किंग जॉर्ज, सब अंग्रेजों का नाम है यहाँ। इको पॉइंट तो समझ ही गए आप, आवाज गूंजता है अपना,
तो जस्ट लेक के बाजू में हम जा रहे हैं। चलो लेक भी हम लोग लगता है देख ही लेंगे कहाँ तक है। इको पॉइंट, तीन पॉइंट और है, तीन पॉइंट है ना खाली, और तीन पॉइंट है, उसके बाद हम निकल जाएंगे। यहाँ एक चीज़ अच्छा है कि आप कोई भी पॉइंट देखेंगे एक दूसरे से कनेक्टेड है गोल, आप मतलब ये नहीं कि आप एक जगह जाओगे तो फिर वहाँ से रिटर्न आना पड़ेगा, आप कंटिन्यू आगे करते रहेंगे आपको सब पॉइंट मिलते रहेगा मिलते रहेगा। वहाँ पे दिख रहा है मुझे, बहुत बढ़िया दिख रहा है वहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ दिख रहा है वहाँ पे। मैं जाऊँगा तो मैं आपको फिर आता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। तरफ लेक है, लॉर्ड पॉइंट, लॉर्ड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, लॉर्ड मतलब सुंदर नज़ारे, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू, कलावंती फोर्ट, वार्ड दरवाजा, शेर की गुफा, आदिवासी विलेज, लोहिसा पॉइंट, शाल फोर्ट, आई लव माथेरा। ये नज़ारे देखना भूलना नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। टेलीस्कोप देखते बारिश, यहाँ भी है बारिश, टेलीस्कोप का है भाई, लॉर्ड पॉइंट टेलीस्कोप से ये नज़ारे देखो, शिवाजी महाराज का स्टेचू दिखेगा, लड़की की लकड़ी की सीढ़ी, शेर की गुफा, कलावंती फोर्ट, रवलगढ़, लोहिसा पॉइंट, यहाँ से दिखेगा। दूरबीन वाले से संपर्क करें, कहाँ मिलेगा दूरबीन। भाई टेलीस्कोप कहाँ से मिलेगा, यहाँ तो कोई है नहीं टेलीस्कोप वाला, टेलीस्कोप होता तो देखते ना, टेलीस्कोप होता भी तो क्या देखते, कुछ तो नहीं दिख रहा है, क्या देखते है? कुछ नहीं दिख रहा है। अभी हम रिटर्न जा रहे हैं लेक की तरफ, लेक आपको दिखाएंगे। ये लेक का नाम है चारलोट लेक, जैसे इसके बाजू में लॉर्ड्स पॉइंट जहाँ हम जाकर आए हैं अभी। ये लेक है चारलोट लेक, तो दिख नहीं रहा है, अभी मैं जा रहा था तो आपको दिखाया था कितना अच्छा क्लियर व्यू था, अभी देखिए यही है यहाँ का हालत है, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। शायद मुझे कैमरा भी बंद करना पड़ेगा, बारिश तेज से हो रहा है। अभी इस तरफ है चारलोट लेक जो तो दिख नहीं रहा है, और इस तरफ पूरा पहाड़ है, लगभग हो गया है, सीधा सीधा जा रहे हैं चालोट लेक से, बारिश हो रहा है, हवा भी आ रही है। ये नीचे सिर्फ पूरा ढलान है, खाई है, एक बिल्डिंग है यहाँ पे, नीचे खाई और इस तरफ लेक। क्लियर तो नहीं है आपको, मैं उस तरफ का दिखाया था, वो साइड का दिखाया था मैं आपको व्यू, ये साइड का है, इतना ये छोटा व्यू लेक है, बट काफ़ी बड़ा है पहाड़ के ऊपर इसके हिसाब से। और यही सीधा सीधा हम जाएंगे, और भी दो तीन पॉइंट है इसको हम देखेंगे, और से सीधा निकल जाएंगे मार्केट की तरफ। गिटार मिल रहा है यहाँ, गिटार भी आप ले सकते हैं। कुछ गिर गया है, फोटो शूट चालू है, ओहो कुछ तो है यहाँ खास।
खेत झरने के नीचे झरना, झरने के नीचे लोग जो बड़े इंजॉय कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। नीचे जा रहे हैं, लॉट पॉइंट जो कि हम देख के आए हैं। ये देखो ये दोनों को अकेले बैठे इधर। सीलिया पॉइंट, सीलिया पॉइंट इधर किधर है भाई? सीलिया पॉइंट देखते चचा रेनकोट बेच रहे। कहाँ गए भाई मेरे साथ वाले? इधर है, इधर है। चलिए कब नहाना है क्या? नहीं, फोटो नहीं खींचा है? वो दिनों को देखो कैसा अकेले बैठे। यहाँ काफ़ी भीड़ है, आपने देखा होगा पूरे वीडियो में। एक टाइम था जब भीड़ बहुत था, उसके बाद ख़त्म हो गया था भीड़। हम ऐसे ऐसे रास्ते से जा रहे थे जहाँ भीड़ बहुत कम थी, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत है क्योंकि मेन अट्रैक्शन यही है। क्या बोलिए? वहाँ पर उसका सामान रिलीज पोस्ट दे रही थी, कैसे करते? अच्छा यहाँ पे कौन सा पॉइंट है ये? हाँ इधर लिखा हुआ था वहाँ पे लॉट पॉइंट है, कुछ है। यहाँ नीचे झरना है और ये जो आ रहा है यही पानी इधर जाके फिर नीचे गिर रहा है पहाड़ के नीचे। अब वहाँ सेफ्टी के तौर पे खाली वहाँ बम्बू लगा हुआ है, सब जा रहे नहा रहे। मैं तो नहीं जाने वाला, बस नहा लेंगे हम, किधर भी नहा लेंगे। सीलिया पॉइंट इसका नाम। हमें गिल्ला होना नहीं है भाई, और ऊपर से डेंजर है थोड़ा। ये दिखाता हूँ आपको, देखिए नहीं जाऊँगा मैं तो, नहीं जाने वाला भाई। आपको जाना रहेगा तो आइएगा। बाकी यहाँ घोड़े लाइन से लगे हुए हैं दिन भर बेचारे काम करके, आराम करने का समय इनका, और हम भी कहाँ से आराम करेंगे। अभी तो हम चल ही रहे हैं, घोड़े हैं, चढ़ना उतरना पड़ गया, बहुत मेहनती घोड़े हैं भाई ये। अभी हम जा रहे हैं कहाँ, कौन सा पॉइंट? अब सीधा लेक को पीछे छोड़ के आगे आ गए हैं, और ये सीधा जाएंगे तो मार्केट की तरफ। इको पॉइंट किंग जॉर्ज एडवर्ड। अच्छा इधर जाएंगे तो इको पॉइंट आएगा, किंग एडवर्ड पॉइंट, और नाम तो नहीं दिख रहा है इधर। यहाँ से जाएंगे तो ये सब पॉइंट आएगा, और सीधा चले जाएंगे तो मार्केट की तरफ निकल जाएंगे हम लोग। देखते हैं टाइम के हिसाब से। तो हम लोग इसको नहीं जा रहे, हम इको पॉइंट हो गया, चौच पॉइंट, फिर हनीमून पॉइंट, ये सब है। क्या ही करेंगे हम लोग वहाँ जाके, कुछ काम का नहीं हो सब पॉइंट। इको पॉइंट में आवाज़ आता है, हनीमून ये सब हम लोग क्या करेंगे। जॉर्ज तो इतना सारा देख लिया ऊपर से, हर जगह तो फॉगी है, तो हर जगह वही सीन रहेगा। तो इतना जाके फिर आना, क्योंकि वहाँ से वापस आना पड़ेगा रिटर्न। रास्ते में पड़ता तो चले जाते, लेकिन वहाँ से रिटर्न आना पड़ेगा। और 6:21 हो गया है तो लेट भी हो रहा है, घर जाना है, लंबे से लंबा रहते हम। तो हम यहाँ से निकलेंगे, सीधा सीधा जा रहे हैं मार्केट की तरफ। हम मार्केट से ओके सीधा नीचे जाएंगे। अब बस हम जा ही रहे थे, देखिए ये बोर्ड है, तो बोर्ड से वहाँ नहीं जाना आपको, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बीजे हॉस्पिटल है, 0.80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और नगर परिषद कार्यालय म्यूनसिपल जो ऑफिस जो होता है यहाँ का होगा वो इस तरफ है। तो वहाँ हमें नहीं जाना है, सीधा हमें ये रूट से निकल जाना है, क्योंकि बाजार पेट 0.60 किलोमीटर है, मतलब 600 मीटर है।
बाजार पेट जो आपको स्टार्टिंग में मैंने मार्केट दिखाया था जहाँ भीड़ बहुत था, वहीं हम निकल जाएंगे। तो वहाँ से हम सीधा समझिए एक घंटा और हमें चलना है, उसके बाद चलिए यहाँ से जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।